विदेशी पर्यटक भी आ गए भाई, देख लो गरबा देखने, पर अभी गरबा चालू नहीं हुआ। कितनी बजे चालू होएगा? हाँ नो आठ तो बजने वाली है। तो भाई जैसे देख सकते हो आप मेरे पीछे पूरा पंडाल अभी खाली है और गरबे का जो प्रोग्राम है वो 8 बजे चालू होगा। 15 मिनट शेष है, 15 मिनट में ये पूरा पंडाल आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा देखना, और मैं दिखाऊंगा आपको गरबा नृत्य। मैं हूँ झालावाड़ राधा रमन के साथ सामने, तब तक बने रहिए। जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। झालावाड़ का जो सबसे बड़ा गरबा होता है ना वो इसी स्थान पर होता है, पर बाकी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई लोग भी ज़्यादा आए नहीं हुए हैं, तो हम 2-3 जगह और है उसको कवर कर लेते हैं जब तक वहाँ पर क्या माहौल है क्या नहीं है। यहाँ पर आएंगे 9 बजे, जब तक भीड़ भी लग चुकी होगी, लोग भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे। अभी तो बिल्कुल खाली है पंडाल पूरा का पूरा। ये बच्चे आ रहे हैं अभी तो डांस करने के लिए, देखो मेरे पीछे। तो भैया हमें यहाँ पे मिले हैं पुराने यूट्यूबर भाई, क्या नाम है भैया आपका? हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह, पहले काफी सारे वीडियोस बनाते थे, क्या वीडियो बनाते थे भैया? टोकी वीडियो बनाता था, राजस्थानी सॉन्ग भी कर रहा। अच्छा, तो आप बंद कर दिया? इसलिए कर रहा क्योंकि झालावाड़ की जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ की जो लोगों का माइंड है ना, आप माइंड है वही बात है। शुरुआत में तो सभी मजाक बनाते हैं यार, क्या करें। टिकटॉक पे वीडियो बनाता था मैं झालावाड़ में, झालावाड़ में किसी के फॉलोअर्स नहीं थे, इतने फॉलोअर्स थे, आई मीन झालावाड़ में बनाता ही मिलता। तो लोग क्या है कि ट्रोल करते थे, मजाक बनाते थे। करने दो, ट्रोल करेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे। मैंने राजस्थानी सॉन्ग शूट करना शुरू किया। अच्छा, मैंने राजस्थानी सॉन्ग शूट बनाए, 2 से 3 बनाए मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन होता क्या कि परिवार वाले, यहाँ तक कि मेरी फैमिली वाले, उन्होंने ट्रोल कर दिया, ऐसा हुआ। करते हैं लोग, बाकी माइंडली डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था माइंड। अब बस कर रहे हैं इतना कुछ पर्सनल, कोई बात नहीं, फिर शुरू कर लेंगे काम करेंगे दोनों। चलो जल्दी, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ने कह दिया था एक बार, सब्सक्राइब कर लेना कमलेश भाई से। अरे विदेशी मेहमान, ये हमारे झालावाड़ में विदेशी मेहमान आए हुए हैं।
कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कैसा लगा भाई? दांडिया मंडल कैसा लगा तेरे को? चलना बैठे हुए हैं, इनको बार बार बोला जा रहा है पर बैठ नहीं रहे, फिर भी ये नहीं है। और ये सब जो बैठे नीचे सब शरीफ आदमी है। आज के मुख्य अतिथि ये सबसे शरीफ बच्चे जवान है, क्लास कॉन्ट्रैक्टर, सारे के सारे शरीफ लोग हैं। चेतन जी शर्मा द्वारा बैठे हुए 21,000। ये बालिका जो है बाहर गेट पर थी, आप में से किसी की भी बालिका हो तो कृपया आप इसको यहाँ कर ले जाए। बच्चा गुम गया भाई, किसी का देख लो यार, बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिए यार। ये देखो बड़े बड़े सा बच्चा, बड़े बड़े शेर बानी का अपना नाम कनक बता रही है। आपस में आप देख लें, एक बच्ची घूम गई है, कार्यक्रम थोड़ी सी देर रुका हुआ है और सबकी मुंडिया जो है ना नीचे है। दो मिनट भी अपने मोबाइल छोड़ नहीं रहे, देखो पता नहीं किसी का मैसेज आ गया, चेक कर रहे हैं। ये भैया तो जाने का कितनी बहुत देर ऐसा लगे हुए हैं। ये देखो सब मोबाइल में लाग रही, थोड़ी सी देर कार्यक्रम गई रुक गया, सब मोबाइल में लाग गया सबका सब। देखो वो उसकी इच्छा से यहाँ आता है, तुम लोग इतनी भीड़ खड़ी कर देते हो, मन ही भर जाता है, आदमी का आगे बढ़ ही नहीं पाता है। यही व्यवस्था महिलाओं में कर रखी है आप लोगों ने। जिन माताओं बहनों को कार्यक्रम बैठ के देखना है वो बाहर से जा रहे हैं, गलत बात है। पीछे जगह कम पड़ रही है, वाला गैप पूरा कर दो, महिलाओं को बिठा दो इस गैप में। बाकी जितने भी पुरुष खड़े हैं इनको पर्दे के पीछे लगा दो, जिसे कार्यक्रम नहीं देखना है वो बाहर पधारे, बाकी कार्यक्रम में अव्यवस्था ना फैलाएं। महिलाएं भीड़ की भीड़ आ रही है, गैलरी में से वापस जा रही है, पास में अपने कार्यकर्ता आराम से मोबाइल चला रहे हैं, जानबूझ के अपने कार्यक्रम में अव्यवस्था तुम लोग कर रहे हो। तरह के ये 9 दिन प्राप्त हुए हैं, कहते हैं कि माँ भवानी इन 9 दिनों तक पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो आप ये प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा माँ भवानी को अपन प्रसन्न कर सकें। ये कार्यक्रम महिलाओं को इधर भी बिठा दो, ये पूरा कर दो, बाकी व्यवस्था खराब मत करो। आपके क्या विचार है इस व्यवस्था के बारे में बताओ। दशहरे पर्व के भाई कार्यक्रम चल रहा है तो शांति से पीछे बैठ जाना चाहिए यार लोगों को। हमारे द्वारा इतनी जोर से बोल रहा है, हमारा छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, समझ रहे लोगों को किस बात वो नहीं आ पाते हैं। चालू है चश्मा वाला ढोकरा तो करेगा इसी। हाँ ये तो बजाओ ताली। इंडियन से आज नाराज हो गए, प्लीज भाई साहब बैठिए। हाँ कि सबके सामने सही बात है गलत है, इतने सारे लोग हैं। साहब के कहने से रुक रहा हूँ, बाकी मुझे बात अच्छी नहीं लगी। आपकी तारीफ में कोई कमी नहीं, मतलब
अब आप सब लोग बताइए, मैं बुड्ढा लग रहा हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो नामली का आधार गाड़ी नहीं बनानी। दरअसल जिद ये है, ये आदमी कहता है कि मैं जवान नहीं होना चाहता, मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ। हरकतें आप देख ही रहे हो बच्चे की तरह। सही है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं बुड्ढा नहीं होना चाहता, मैं जवान ही रहना चाहता हूँ। काफी लोग आ रहे हैं भाई, देख लो 12 बजे तक प्रस्तुतियां होंगी और काफी ज्यादा भीड़ है देखो चारों तरफ। अरे उमाल सस्ते तो जो खटी गए, कृपया आइए साथ में घूम जाएंगे मेले में। कैसे ढूंढूंगा मैं आपको, क्या करें यार। चलो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। थलावर का गरबा आप देख चुके हैं, अब झालरापाटन जाएंगे। देखो आप भीड़ अभी भी आई दिए। यहाँ पे ज्यादा खास हो नहीं रहे घर पे, तो हम जाएंगे यहाँ से झालरापाटन। चौक मा आवे हम देना, चौक मा जब मा